जो टॉपिक मैं आपको बताना चाह रही हूँ जो बहुत जरूरी है इस करंट अफेयर्स एंड अ लॉट ऑफ यू आर आस्किंग क्वेश्चन आल्सो कि करंट अफेयर्स को लेके यू नो विच विच मैगजीन टू रेफर एंड विच आर्टिकल टू रेफर एक्सेट्रा. तो बेसिकली करंट अफेयर्स एक बहुत वास्ट चीज़ हो गई है. आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हो गए हैं. अब आप सबसे पहले जो आपका बेस सोर्स होना चाहिए वो है न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर इज द सोर्स. आपका कोई भी ऑनलाइन मटेरियल अगर मिल रहा है आपको तो वो भी न्यूज़पेपर के साथ ही उसका जो है मिल रहा है. न्यूज़पेपर से ही उसका सोर्स है. या फिर कई बार ऑनलाइन वेबसाइट्स में भी ऑनलाइन आर्टिकल्स आते हैं. बट मेजरली यही हमारा प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारा सोर्स है. तो ये यू जस्ट चूज वन न्यूज़पेपर. डोंट गो फॉर टू. इधर इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू इज वॉट आई ऑलवेज से बिकॉज मैंने हिंदू पढ़ा था. फिर इंटरव्यू के लिए मैंने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा तो आई फाउंड दैट इंडियन एक्सप्रेस वॉज इक्वली गुड. सो यू कैन चूज आइदर ऑफ द टू. द हिंदू का लैंग्वेज इज अ बिट डिफिकल्ट फॉर द स्टार्टर्स. तो आपको थोड़ा बोरिंग भी लग सकता है, आपको समझ में नहीं आएगा. तो आई रिकमेंड कि आप इंडियन एक्सप्रेस स्टार्ट कर सकते हैं. एंड अब फिर है कि वॉट टू रीड इन अ न्यूज़पेपर. वॉट टू रीड एवरीथिंग, क्या पढ़ना है. सो ऑल ऑफ दिस इज इन योर सिलेबस. सब कुछ आपके सिलेबस में दिया हुआ है. आप एक बार सिलेबस पढ़िए और फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखिए तो आपको समझ में आएगा कि अगर आपके सिलेबस में द पार्लियामेंट लिखा है तो उसके किस तरह के सवाल आ रहे हैं. यही आपका सोर्स है. आप यू नो व्हाट हैपेंस इज स्टूडेंट्स की पासिंग कि हमें नहीं पता है किससे पढ़ना है क्या पढ़ना है. सी यू हैव टू मेक योर ओन पाथ, यू हैव टू मेक योर ओन स्ट्रैटेजी एंड व्हाट विल हेल्प यू डू दैट इज दीज टू थिंग्स. तो आई वाज टेलिंग यू कि न्यूज़पेपर फर्स्ट थिंग है, इट्स योर बेस. व्हाट टू रीड इज यू विल फाइंड आउट ओवर द टाइम. बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स, इन सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है. व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज जैसे कोई इंटरनेशनल इवेंट है, जैसे अभी यूक्रेन रशिया वॉर है, ट्राई टू ट्रैक कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. अभी तो एन नंबर ऑफ आर्टिकल्स रोज आ रहे हैं एनालिसिस के, तो कहीं ना कहीं यूपीएससी मेंस में या फिर प्रिलिम्स में बिल्कुल क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि यू नो कैसे क्या हाउ व्हेन. सो इसमें ना पॉइंटर्स आप देख सकते हो, व्हाट हाउ व्हेन वेयर यू नो व्हाई, ऑल ऑफ दीज थिंग्स पे थोड़ा सा यू कैन जस्ट फाइंड आउट, यू कैन जस्ट रीड अबाउट इट एंड दैट इज योर वन सोर्स. सेकेंड सोर्स फॉर करेंट अफेयर्स इज अ लॉट ऑफ मैगजीन्स कम. गवर्नमेंट मैगजीन एक आती है योजना. योजना मैगजीन में बहुत अच्छे से कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अलग अलग ऑथर्स के उसमें आर्टिकल्स होते हैं या ऐसे जैसा होता है, दैट ऑल्सो यू कैन रीड. देन ऑनलाइन कुछ एक जैसे आई यूज टू लिसन टू न्यूज़ ऑन एआईआर, एक स्पॉटलाइट एनालिसिस करके आता था. तो वो न्यूज़ रेडियो प्रोग्राम आई यूज टू लिसन. बहुत ब्रीफ में दे यूज टू टेल अबाउट द न्यूज़. कुछ अच्छे डिस्कशन प्रोग्राम्स आप सुन सकते हैं जिसमें करंट अफेयर्स के बारे में और करंट इश्यूज के बारे में यू नो प्रोफेशनल्स को बुला के डिस्कशन होता है. तो दे टेल अबाउट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट. तो उससे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है हमको. एंड इसके अलावा अ लॉट ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नाउ डेज एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स कम आउट विद करंट अफेयर्स कंपाइलेशंस, मंथली कंपाइलेशन या फोर्टनाइटली या ईयरली कंपाइलेशंस. तो बेटर ये है कि आप एक खुद का सोर्स पहले अपना रखिए और उसके साथ आप फिर किसी एक पर्टिकुलर इसको ले सकते हैं कि जो है कोई भी एक आपने इंस्टीट्यूट का ले लिया या जो आपको अच्छा लग रहा है, विच यू आर कंफर्टेबल विथ, उसको आपने रेगुलरली पढ़ लिया. बट अगर एक चूज किया है तो उसको फिर बहुत अच्छे से पूरा फॉलो करना है हमको. ठीक है, दैट्स योर करंट अफेयर्स.